तो भाई लोग ये गाड़ी मेरे पास आई है डिस्कवर 100 CC। ये गाड़ी रात को बंद हो गई थी, सुबह मेरे पास आई थी। जब मैंने कस्टमर से पूछा तो उन्होंने बताया था भैया ये गाड़ी बरसात में चलते चलते बंद हो गई थी, तो हो सकता है इसमें पानी चले गया हो। तो मैं अभी आपको सारी कंप्लीटली डिटेल दूंगा जो गाड़ी स्टार्ट करने में पता लगता है। जैसे कि मान लो अगर बाई चांस पानी चले जाता है या किसी कपलर में पानी चले जाता है तो गाड़ी बंद क्यों होती है, उसका कैसे सोल्यूशन निकाले, तो सारी की सारी चीज़ें करते हैं अंदर, ले जाते हैं बक्सों में और चढ़ाते हैं इसको रैंप पर। तो भाइयों सबसे पहले हम इसकी टंकी उतारेंगे, साइड कवर खोलेंगे और सीट खोलेंगे। तो ये तीनों चीजें खोलने के बाद हम बताते हैं आपको आगे करना क्या। तो फटाफट से तीनों चीज पहले खोल लेते हैं। सीट खोल रहे थे तो हमने एक चीज देखी कि भाई इसका जो तार है टूटा हुआ है। आप काफ़ी जो गाड़ियाँ डिस्कवर होती हैं उनमें तार यहाँ होता है, ये जो पॉइंट है, पर ये टूटा हुआ है इस चक्कर में इसको मैं यहाँ हो रखा है। और ये जो अंदर का इनर है इसको खींचेंगे और इसके खींचने के बाद हमारी जो सीट है वो बाहर निकल जाएगी। तो भाई इसे खींचिए फटाफट। तो अब इसकी सीट जो है हम अलग कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने लगा सीट खोल ली, साइड कवर खोल लिया, अब इसकी पेट्रोल पाइप को हम बाहर निकालेंगे और पेट्रोल को करेंगे बंद। तो फटाफट पेट्रोल कर देते हैं बंद, ठीक है। और बंद पेट्रोल कर दिया और उसके बाद इसका पाइप जो है इसको अलग कर देते हैं हम। ये हमारा पाइप जो है अलग हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट से सीट खोलने के लिए आपको ये पता लगा दिया है सीट कवर और ये हो गया। अब बताते हैं हम टंकी खोलने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो बहुत सिंपल है, इसकी जो डिस्कवर गाड़ियाँ होती हैं पुरानी वाली उनमें यहाँ पर कोई भी बोल्ट नहीं होता, स्पीड पिन होती है, बट अफसोस की बात इसमें स्पीड पिन नहीं है। तो टंकी उतारने से पहले आपको उधर का साइड कवर थोड़ा सा हल्का सा रिमूव करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमने ये साइड कवर लिया और यहाँ से हल्का सा इसको ऐसे करके रिमूव करते ताकि इसका जो नक्का है यहाँ से ये नक्का अलग हो जाए, ठीक है। तो अभी हमारा फीट फ्री हो गया, आप इसकी टंकी को उतारेंगे हम। तो ये हमारी टंकी इस तरीके से उतर जाएगी कुछ। जब टंकी को आप उठाओगे ऊपर की तरफ तो आपको आपको एक छोटी सी चीज़ मिलेगी जो हमारा इसके अंदर फ्यूल मीटर होता है, फ्यूल मीटर की वायर मिलेगी, वो छोटी सी वायर। इस वायर को आपको अलग कर लेना है, ग्रीन कलर की वायर होती है, और बहुत स्मूथली टंकी जो है आपकी अलग हो जाएगी इस तरीके से। और इसमें आपने शायद नोटिस किया हो मैंने कोई भी औजार यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें कोई भी औजार यूज़ नहीं किया है, ना मैंने इसमें कोई टूल यूज़ किया, ना मैंने कुछ यूज़ किया, सिर्फ प्लास यूज़ किया, वो भी इसलिए ताकि उसकी तार जो है टूटी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप घर में भी कर सकते हो बिना औजार के। अब औजार की कहाँ जरूरत पड़ेगी ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फटाफट से जो भी दिखाऊंगा वो आपको देखना है, ठीक है। टंकी साइड कवर, ये सारी चीज़ें खुल चुकी हैं और अब आपको सबसे पहले चेक करना है गाड़ी में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बरसात के पानी की वजह से हमारे दो जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमें चेक करने हैं। पहला, हमारा बाइक का जो करंट है वो गायब तो नहीं हुआ। दूसरा, हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर में पानी तो नहीं गया। और तीसरा भी पॉइंट होता है, बट वो सबसे एंड का पॉइंट है, मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, वीडियो के एंड में, ठीक है, वीडियो बने रहना। तो सबसे पहले हमें चाबी ऑन करनी है और चाबी ऑन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा हॉर्न और बैटरी का जो करंट है आ रहा है, ओके। न्यूट्रल देखते हैं, तो इसकी जो न्यूट्रल लाइट है वो नहीं आ रही है, कहीं आप बाद में बोलो। तो हम इसका जो किक है वो लगा के देखते हैं और इसमें सेल्फ लगा के देखते हैं। पहले सेल्फ मार के देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा, सेल्फ काम नहीं कर रहा है इसका मतलब। तो सेल्फ जो इन्होंने मेरे को बताया था जिनकी गाड़ी है, सेल्फ पहले से ही काम नहीं कर रहा, बाकी मैंने सोचा एक बार चेक कर लेता हूं। तो बैटरी भी इसमें छोटी डाल रखी है, बैटरी छोटी से कोई मतलब नहीं है, बिती सी बैटरी से भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखे, गाड़ी का यहाँ पे मीटर में सो करंट करना चाहिए, अगर यहाँ मीटर में लाइट करंट नहीं करेगी सो, तो हो सकता है आपकी गाड़ी में करंट की प्रॉब्लम आए। तो फटाफट से हम इसके करंट चेक करते हैं और करंट चेक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका प्लग आपको निकालना है, ओके। अगर आप सेल्फ से करंट चेक कर रहे हो और दो प्लग की गाड़ी है तो सेल्फ से करंट आपको इस वाले प्लग से चेक करना है, अगर आप किक से करंट चेक कर रहे हो तो आपको इस वाले प्लग से करंट चेक करना है। सेल्फ मारोगे तो उधर ही करंट आएगा, इधर भी करंट आ सकता है, पर सेल्फ मारने पर उधर से करंट आपको चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को, इस वायर को लेंगे और यहाँ अटैच करके आपको चेक करेंगे, किक लगाएंगे, मारो भाई किक, ये अरे वाह वाह हो गई स्टार्ट, ओके। एक सेकेंड स्टार्ट हो रही है पर बंद हो रही है, तो यहां पर हमारा करंट भी आ रहा है और स्टार्ट हो रही है पर बंद हो रही है। दोबारा करना स्टार्ट, बंद हो गई। रेस देके करूं, रोज दो हो गई स्टार्ट पर, अब ये बड़ी बंद कर दो, चाबी ऑफ कर दो। तो भाई जैसे कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी मैं आपको बता देता हूं, पहली चीज ये कि इस गाड़ी के अंदर हुआ क्या था। पहली चीज़ तो ये थी कि इसके प्लग अडाप्टर का जो, हो सकता है ये रात भर गाड़ी खड़ी रही है और सुबह इसमें पानी की जो इसके प्लग वायर वगैरह में करंट मतलब पानी चले गया था वो चले गया हो, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट हो गई हो। बाकी उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद एक चीज़ नोटिस करी हो, इसमें एक प्लग यहाँ लगा है और एक प्लग उधर लगा है, उसके बावजूद भी गाड़ी इधर करंट की वजह से स्टार्ट हो गई, यानी कि आप इसे सिंगल प्लग में भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ये पहले से मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कि अगर आपकी गाड़ी में दो प्लग हैं तो एक प्लग आपकी गाड़ी का अगर ख़राब भी होगा तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब क्या करेंगे हम एक काम करेंगे, हम अपनी सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे जो पानी जाने पे गाड़ी को चेक करना होता है। पहला प्रोसेस हमारा कार्बोरेटर को अंदर से सारा ड्रेन वाला पेट्रोल निकाल देना है। तो ड्रेन वाला पेट्रोल कैसे निकालेंगे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, और ये भी देखते हैं कि इसमें वाकई में पानी गया था या नहीं गया था इसे कार्बोरेटर के अंदर। तो सबसे पहले हम ये लेंगे इसका पाइप जो है ड्रेन वाला पाइप ये लेंगे, और इस ड्रेन वाले पाइप को देखेंगे निकाल के पेट्रोल इसमें निकल रहा है या पानी निकल रहा है। ड्रेन वाला पाइप निकालने के मतलब पैनल इसका जो हमारा पेट्रोल होता है वो निकालने के लिए हमें ये वाला जो बोल्ट है, ये जो पेज आप देख रहे हो, ये खोलना पड़ेगा। तो इस पेज को खोलते हैं, और जब इस पेज को खोलेंगे तो हमारा उधर वाला जो पाइप था, इस पाइप उस वाले पाइप को इधर कर लेते हैं, और उसके बाद आपका ये पेट्रोल निकल जाएगा। ये वाला जो पाइप है हमारा आ चुका है इधर की तरफ। अब हम चेक करते हैं पेट्रोल पाइप के अंदर से निकाल के पेट्रोल निकल रहा है या पानी निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है पानी भर जाता है कार्बोरेटर के अंदर, बाद में दिक्कत होती है। अभी स्टार्ट हो गई, जब चलाएंगे तो हो सकता है मिसिंग करे या बंद हो जाए, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना, सारे काम प्रॉपर करने हैं। तो देखो यहां पर हमने इसका जो बोल्ट है खोल रहे हैं, और इसमें से ये हमने पाइप को छोड़ दिया है ताकि इसमें से पता लग जाए। ओहो क्या बात है, इसमें से तो पानी निकल रहा भाई। तो देखो ये हो गया ना वही वाली बात। अब आप बोल रहे हो जब इसमें पानी भरा हुआ तो गाड़ी स्टार्ट हुई तो हुई कैसे? देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो पानी होता है वो भारी होता है, पेट्रोल जो होता है हल्का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में पता रहे। जब हमारा जो कार्बोरेटर होता है उस कार्बोरेटर के अंदर एक मैन जेट लगा होता है, वो मैन जेट पेट्रोल में डूबा होता है, ठीक है। अब जब पेट्रोल जो डालोगे ना आप, तो पेट्रोल में क्या होगा, आपका पेट्रोल जो है ऊपर रहेगा और पानी भारी होने की वजह से नीचे रहेगा, तो जेट के अंदर पेट्रोल चले जा रहा होगा, इसी वजह से गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। ओके, तो ये देखो आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ये देखो पानी अलग ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और पेट्रोल अलग ही दिख रहा है। ओके, ये चीज़ आपको दिख रही होगी शायद, और ये पानी जो गया है ये इस पाइप के द्वारा गया है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ आपको ताकि आपको पता रहे, ठीक है भाई। ये देखो जब इस पाइप में आप फूंक मारोगे ना, तो आपका जो फूक होगी वो इस कार्बोरेटर में जाएगी, यानी कि जो इसकी पाइपलाइन है एयर वाली वो हमेशा चालू रहती है, ठीक है, हमेशा वो चालू रहती है, याद रखना ये पाइपलाइन हमेशा चालू रहती है। बस फर्क ये होता है इस पाइपलाइन में गेट वाल होता है, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं तो वो नीचे के सिरे से खुल के सारा का सारा गंदगी नीचे की निकाल देता है, बट ये पाइप हमेशा चालू रहता है। तो ये पानी में जब डूबी होगी ना, तो इस पानी के यहाँ तक के भाव की वजह से जो पानी होगा वो इसके अंदर चले गया होगा, इसकी वजह से पानी कार्बोरेटर में भर गया है। अब हमें ये क्लियर करना है कि इसकी टंकी में पानी है या नहीं है, कहीं पता लगा टंकी में पानी भर गया हो तो इसके बाद ये दोबारा पेट्रोल कार्बोरेटर के अंदर हमारा पानी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ हमें क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पेट्रोल कार्बोरेटर का निकल चुका है, और उसके बाद हमारी जो थिंबल है ये सब चीज़ें चेक करनी है, छोटी मोटी ये थिंबल जरूर चेक करनी है, ये थिंबल जरूर चेक करनी है। अगर एचटी कोइल की दोनों थिंबलों में से कोई भी टूटी होगी या लूज होगी या पानी में भरी हुई होगी तो आपकी गाड़ी में ये समस्या आएगी। उसके अलावा एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं जो बहुत सारे लोगों के मन में होती है, कि अगर ऐसा क्या करेंगे बरसात में गाड़ी जब चलाएं तो गाड़ी बंद ना हो। देखो उसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, जितने भी हमारे वायरिंग से रिलेटेड कपलर होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ओके, इसके कपलर हो गए, इसके कपलर हो गए, CDI के कपलर हो गए, मैग्नेट कोयल के कपलर हो गए, इनको बाहर निकाल के इनके अंदर पेट्रोलियम जेली यूज़ करनी होती है, लगानी होती है। अगर आप पेट्रोलियम जेली इनमें लगा लोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट क्लास, और गाड़ी बरसात में बंद नहीं होगी, ठीक है। और तो और यहाँ पर भी आपको पेट्रोलियम जेली यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ इसको मैं खोल के देखता हूँ, इसके अंदर भी सूखा हो रखा है, यहाँ इसके अंदर भी गीलापन है, और यहाँ पर भी, यहाँ तो सूखा है, तो रात में खड़ी होने की वजह से ये सूख गई है गाड़ी प्रॉपर तरीके से। बाकी उसके अलावा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, तो ये जो टंकी है इसमें पानी चेक कैसे करें बिना पेट्रोल के, मतलब बिना टंकी को खोले, मतलब जैसे कि खड़ी खड़ी गाड़ी में, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फटाफट से टंकी लगाते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। पेट्रोल टैंक हमारा लग चुका है बाइक में, अब क्या करेंगे, पेट्रोल टैंक बाइक में लगने के बाद हमें चेक करना है पेट्रोल टैंक में कहीं पानी तो नहीं है, कहीं इस वजह से दिक्कत आई हो क्योंकि कार्बोरेटर में पानी गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी में हम यहाँ रिजर्व में पेट्रोल चेक करेंगे, रिजर्व में पेट्रोल, हमेशा याद रखना पेट्रोल को अगर कभी भी आपको चेक करना है तो आप रिजर्व में ही पेट्रोल निकाल के चेक करें। रिजर्व में अगर आप पेट्रोल निकाल के चेक करोगे तो आप में उसमें होगा क्या, पेट्रोल जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोल हल्का होता है और पानी भारी होता है, तो जो पानी होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और पेट्रोल जो होगा ऊपर की तरफ होगा। रिजर्व की जाली पूरी नीचे से ऊपर तक की होती है और मैन की जाली ऊपर तक की होती है, तो मैन में कभी भी पेट्रोल में पानी नहीं आ सकता, ठीक है, अगर होगा भी टंकी में तो भी नहीं आएगा, और रिजर्व में आपका कहीं भी पेट्रोल में पानी हो वो तुरंत ही निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कम से कम 50 से 100 ग्राम पेट्रोल इसमें से निकालेंगे रिजर्व में, ठीक है। तो फटाफट से निकालते हैं, तो हमने एक ट्रे ली है और अब मैं इसको रिजर्व में ओपन करता हूं, ये मैंने कर दिया ओपन रिजर्व में। अफसोस की बात है कि इसमें पेट्रोल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हो सकता है इसमें हवा मार रही हो, थोड़ा सा पेट्रोल तो है इसमें हल्का फुल्का,
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई ये जो गाड़ी बंद हुई है दो रीज़न की वजह से बंद हुई है, पहला इसमें पेट्रोल नहीं है, दूसरा इसमें पानी के कार्टर में चक गया हुआ था, ठीक है, और तीसरा बरसात आने की वजह से हो सकता है इसके जो ये जो हमारे कपलर थे इस कपलर में पानी चले गया हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको बताइए हैं, अगर आपकी गाड़ी देखो यार कोई स्क्रिप्टेड वीडियो तो है नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो भी है आपके सामने है ना, मुझे पता था पहले ना आपको पता था पहले, अब आपको पता लग चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बेशक से इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा खास नहीं निकला, सिर्फ कार्टर में पानी निकला, बट एक चीज़ समझ लो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूर आपको चेक करनी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी के फिल्टर बॉक्स में पानी जा चुका है, पानी भरा हुआ है, और आप परेशान हो कि यार आपको पेचकस नहीं मिल रहा या कोई बोल्ट नहीं मिल रहा और आपको दूर जाना है कहीं ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है कि हाँ यार वहां पर जाके मुझे मिल जाएगा, तो आप गाड़ी रोड पर चला नहीं पा रहे क्योंकि फिल्टर बॉक्स में पानी भरा हुआ है, तो फिल्टर बॉक्स को आप बिल्कुल अलग करके अपनी गाड़ी को चला सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये जो पाइप आपको देख रहे हो ये छोटा सा पाइप, किसी भी डंडी से इस पेच को पीछे करना है और इस पाइप को पीछे करके आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो, और अगर आप चलाना चाहो तो इससे आपकी गाड़ी में बंद की परेशानी नहीं आएगी। बट अगर फिल्टर बॉक्स में पानी भरा हुआ होगा तो जब भी गाड़ी स्टार्ट करोगे तो वो पेट्रोल जो आप इसमें से निकालोगे पानी वाला, तो फिल्टर का पानी इसमें आएगा और इसके बाद इसमें भर जाएगा और गाड़ी आपकी हो जाएगी बंद। ये चीज़ आप याद रखना। उसके अलावा एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, कभी भी अगर आपकी गाड़ी बरसात में बंद होती है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी के प्लग अडाप्टर को यहाँ से निकालें और यहाँ ऊपर के सिरे से साफ करके फिर फिट करें। और दूसरी चीज़, ये जो आप देख रहे हो मैग्नेट कॉइल का कपलर है इसे बाहर निकाल के इसको साफ करें। और तीसरी चीज़, आपकी गाड़ी में जो मैंने बताया पेट्रोल ड्रेन का सिस्टम, वो ड्रेन वाला सिस्टम जरूर करें और अपनी गाड़ी को मैन में लगा के गाड़ी चलाएं। मैन में लगाने से आपकी गाड़ी में जो अगर टंकी में पेट्रोल होगा भी, मतलब पानी होगा भी, तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चला सकते हो जब तक आपकी गाड़ी भी रिजर्व नहीं लग जाती। पूरी ओके हो गई थी तो मैंने सोचा एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देख ली जाए, स्टार्ट करी, धुआं दे रही थी गाड़ी बहुत ज़्यादा, और धुआं दे रही थी, मैं साइलेंसर में उंगली डाल के दिखाता हूँ इसके अंदर कितना ज़्यादा धुआं भरा होता, और ये गाड़ी ऑयल कितना ज़्यादा खा रही है। देखो इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था, मैंने जस्ट अभी देखा, ये देखो भाई देखो। अब जब ऐसी स्थिति गाड़ी की होगी ना तो गाड़ी पानी से तो मैं नहीं बोलूँगा, पर ये कि गाड़ी का ऑयल ख़त्म होने से प्लग शॉर्ट हो जाएगा, और प्लग इसके ऐसा निकला था। देखो अगर आपकी गाड़ी का भी प्लग ऐसा निकल रहा है तो आप समझ जाओ कि आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं इसमें स्पार्क प्लग नए डाल रहा हूँ, दोनों स्पार्क प्लग डालने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट क्लास। पानी की समस्या तो नहीं थी, हो सकता है इस भाई को, जो इन भाई की गाड़ी जिनकी, हो सकता है इनके मन में वहम बैठ गया हो कि बारिश आ रही है इस चक्कर में पानी, मतलब जो है गाड़ी बंद हो गई है, बट रीज़न जो था वो स्पार्क प्लग शॉर्ट होने का था। फिर भी हमने सारी की सारी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं चेक करी और बारीकी से चीज़ों को समझा, तो देखा एंड में हमें ये चीज़ समझ में आई। तो अभी हम स्पार्क प्लग में दोनों डाल रहे हैं। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो दोनों स्पार्क प्लग की जगह एक स्पार्क प्लग डाल के भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो और एक पुराना भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें दोनों स्पार्क प्लग डाल रहा हूँ, दूसरा कहें छोटे, अच्छा उसके अंदर है, दूसरा उसके अंदर है भाई, लगा दिया है दूसरा, ठीक है भाई, ओके। तो ये जो वीडियो थी, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा ताकि आप छोटी छोटी जानकारी पाके काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख सको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, पेट्रोल लगे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भिजवाते हैं गाड़ी जिनकी गाड़ी है, ओके। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।